हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सब भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। भाई मैं भी हूँ बहुत बढ़िया। तो भाई आज हमारे साथ आफ्ताब भाई, तो भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, सचिन आप बताओ। बढ़िया भाई। तो भाई फिलहाल आफ्ताब भाई ने को सेकंड हैंड बाइक ली है, भूमि मोटर से ली थी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा सेकंड हैंड क्या क्या दिल मत दुखाओ। तो ठीक है भाई, भाई ने कह दिया कि सेकंड हैंड क्या क्या दिल मत दुखाओ। भाई के लिए बिल्कुल न्यू है, जैसे मेरी बाइक भी सेकंड हैंड है बट मेरे लिए न्यू है, तो वैसे ही सेम। भाई आज हम ना भाई से मतलब ऑनरशिप का रिव्यू जानेंगे कि भाई ने जब सेकंड हैंड ली तो बाइक में क्या प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम नहीं आई, ए टू जेड सारी चीज़ें। ठीक है, रेट आपको भाई लास्ट में बताएंगे कि क्या रेट बोला था, हमको किस रेट में मिली है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ए टू जेड क्या लगाया कैसे लगाया भाई। बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन इस भाई में जो भी खर्चा है भाई वो लाने के बाद भी कराया गया है, बाइक में प्रॉब्लम आ गई थी। तो फिलहाल हम वीडियो करते स्टार्ट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना आफ्ताब भाई ने ही बोला है। ठीक है, तो भाई जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो करते स्टार्ट। पहले तो भाई बाइक आप देख सकते हो भाई, अपनी आरसी 200 है। ठीक है, 2018 का मॉडल भाई, बाइक के कंडीशन देख सकते हो भाई आप साइड से, टायर्स वगैरह जो कंडीशन है वो भाई बिल्कुल नहीं है, टायर की तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई टायर के अलावा भाई बहुत सी चीज़ें होती है गाड़ी के अंदर जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, जो कि इंटरनल होती है। कभी भी आप ध्यान रखो, आपको कोई भी बाइक बाइक करनी हो, आप अपर बॉडी पे ना जाए, इंटरनली मोस्टली इंटरनली चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान देने वाली होती है। हम फर्स्ट राइड लेते हैं, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखाई देता है, इंटरनली कभी भी हम देख ही नहीं पाते। फर्स्ट राइड लेने पे ही हमें लगता है कि मस्त है मस्त है मस्त है, बाकी सारी चीज़ें पता चलती हैं जब ये सर्विस सेंटर जाती है। बिल्कुल। तो भाई देखो, ये बात है कि जैसा भाई ने बताया कि पहले सर्विस सेंटर लेकर जाओ, उसके बाद सारी चीज़ें देखो, अपनी जो भी बाइक आपको फाइनल करनी है आपको वो चीज़ करनी है। ठीक है, तो भाई फिलहाल ये बताओ कि आपने KTM लेने की पहले क्यों सोची, सबसे पहले ये बात। यार देखो, KTM लेने का वही है कि सबको अपनी अपनी बाइक अच्छी लगती है, कोई कुछ बाइक पर जाता है कोई किसी पर। मुझे KTM पसंद थी तो मैं KTM की तरफ गया, बाकी फिर थोड़ा सा सेकंड हैंड मार्केट की तरफ इसलिए चला गया क्योंकि वहाँ रेट थोड़ा सा कम मिलता है अकॉर्डिंग टू शोरूम। बिल्कुल भाई, ये चीज़ अकॉर्डिंग टू शोरूम काफी अच्छा पैसा बच जाता है, 70-75 हज़ार रुपए काफी बच जाते हैं, आपको अच्छे रेट में एक बाइक मिल जाती है आपको अच्छी कंडीशन में, ऐसा बताते हैं। बट भाई लेकिन ऐसा है ना कि कंडीशन भी भाई ठीक ठाक मिलनी चाहिए, ये थोड़ी कि सस्ती मिल जाए तो भाई ले लो। हाँ वही है, लेकिन जब दिखता है तो यार बस वही नहीं चलता ना, जो पसंद चीज होती है ना सडनली पसंद आ जाती है तो पता नहीं चलता, बस होता है चलो ले लो बात खत्म करो। भाई जैसे कि देखो, मैं भी वीडियोस बना रहा था भाई सेकंड हैंड बाइक्स के ऊपर, भाई मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई अपनी सेकंड बाइक के ऊपर। तो भाई ने फिलहाल मेरी वीडियो देखी, भाई ने मेरे को बताया कि भाई मेरे को बाइक लेनी है। भाई जैसे ऐसे फाइनल करके आ गया था, फिर स्टिल देखने गए थे, भाई उस टाइम चलाई थी हमने बाइक, उस टाइम बाइक ठीक थी बट बाइक में सच में इशू आ गया बाद में, जैसे ही रात को हम बाइक घर लेकर आए, जैसे बाइक की थोड़ी रनिंग करी हमने मतलब अच्छे खासे गियर पर थोड़ी भगाने की ट्राई करा तो भाई बाइक में इशू आ गया। ठीक है, तो भाई उससे ही भाई बहुत परेशान हो गया था भाई, सुबह सुबह भाई बाइक में इशू आ गया, सेकंड हैंड बाइक लेकर आए बट या उसमें पैसे लगाना फिर आम बात तो है नहीं भाई, कि आते तुमने एक तो बाइक में पैसे लगाओगे तो यार देखो दिल दुखता है क्योंकि सेकंड हैंड बाइक लिया भाई। ठीक है, तो भाई पैसा तो दिया ही है यार, बिल्कुल भाई पूरा पैसा दिया है, पूरा पैसा दिया भाई, पैसा तो देंगे ही, पैसा दिया फ्री में नहीं लिया भाई। तो बात ऐसी है कि देखो, जिस दिन हम इसे लेके आए, बिल्कुल जिस दिन लेके आए इवनिंग में आई थिंक हमारे को फाइनल कर दी गई थी। ठीक है, लेके आए घर पे, लाके पूजा वूजा करी इसको, चौथे पांचवे गियर में जैसे ही भगाया तो थोड़ा सा इंजन में कुछ इसका इशू आ गया था। ठीक है ठीक है, फिर नेक्स्ट डे इसको भूमि मोटर्स लेके गए, भूमि मोटर्स वालों ने ऐसा नहीं है कि ट्रीट बेकार किया, बाकी अच्छा है ठीक है, उन्होंने इंजन का जो इसका इशू हुआ था वो करा के दिया। ठीक है, बाकी फिर भी यार वो ठीक है, उनका इंजन का ठीक था लेकिन फिर भी इसमें इंटरनली बहुत सारे इश्यूज थे जिसको हमें सर्विस सेंटर ले जाके ही ठीक कराना पड़ा। तो भाई देखो, सबसे पहली बात की भाई हम भूमि मोटर पर लेके गए थे कि हमारी बाइक में ये इशू आ गया, तो मतलब ट्रीट वगैरह सब अच्छा करा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी जवान वीडियो में मैंने बता भी रखा है कि वो अपने इंजन की गारंटी देते हैं कि 2 महीने 6 महीने तक जितने की भी देते हैं कि आपकी बाइक में अगर कोई इंजन में इशू हो जाता है तो भाई वो करा के देंगे, करा के देते हैं यार। लेकिन वो देखो समझो, अब उन्होंने कराया कैसे कराया, मेरे माइंड में तो डाउट ही है, बिल्कुल जो इशू हो जाता है वो हो जाता है, बाकी फिर भी मेरे अभी तक तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक चल रही है, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि मुझे सर्विस सेंटर से ही कराने पड़े इसमें, और वो कराने ही पड़ेंगे यार। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, आप सेकंड हैंड बाय करते हो तो सबसे पहले सर्विस सेंटर ले जाओ, तब ही लो से जब सर्विस सेंटर वाले कह देना हाँ भाई ये ओके है, जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है आपको खर्चा करना पड़ेगा उसमें, तो आप लो सर्विस सेंटर जाओ चेक करो, अदरवाइज उसके बाद ही लो, अदरवाइज मत लो भाई। यहाँ तक कि आपने यहाँ पे चला के भी देखी थी थोड़ी बहुत, चला के देखो, चला के देखने पे क्या होता है, आप फ्रेंड्स की ले लो या कोई भी, जब आप पहली बार चलाते हो कोई चीज तो वो अच्छी लगती है यार। बिल्कुल भाई, वो अच्छी लगती है बिकॉज आप उसको लेना ही होती है, आपका माइंडसेट बना होता है कि लेनी है तो अच्छी लगेगी आपको, लेकिन जब आप उसे एक दिन चलाओगे, दो दिन चलाओगे, फ्रेंड्स को दिखाओगे तो चीजें थोड़ी थोड़ी सामने आने लगती है। ये तो भाई देखो, जैसा कि पहले आपको मैं रनिंग शो कर देता हूँ भाई, ये भाई 2018 का मॉडल है, जैसे आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका था।
ठीक है भाई, ये गाड़ी कितनी चली हुई है आप ज़्यादा देख सकते हो, 18 चली हुई थी उस टाइम पे, 18 700 800 कुछ चली हुई थी। तो भाई देखो भाई ने 19 चला दी, मतलब भाई की जो, तो भाई देखो फिलहाल आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ पहले, तो भाई इंजन में क्या इशू आ गया था जब हम बाइक लेकर आए थे, भाई क्या इशू था बाइक में? यार देखो इसको दरअसल चौथे गियर पे हमने थोड़ा सा भगा के देखा, तो फिर इसके एक्चुअली इंजन में थोड़ी आवाज़ आने लगी डिफरेंट टाइप की। आप मोस्टली KTM की जो आवाज़ होती है ना वो अलग ही पता चलती है, बिल्कुल भाई, तो आवाज़ थोड़ी डिफरेंट हो गई, तो पता चल ही गया था इंजन में कुछ इशू। बाइक चल रही थी, नो इशू, भाग रही थी, चल रही थी, सब हो रहा था, लेकिन इसके इंजन में थोड़ी सी आवाज़ आ गई थी। अब वो आवाज़ किस रीज़न से आई थी, आई थिंक पिस्टन में कोई इशू आ गया होगा इसके, या फिर कुछ और भी हो सकता है, वो एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंजन हम तो मैकेनिक हैं, बिल्कुल अंदर इसके इशू आ गया था। बाकी फिर से भूमि मोटर्स लेके गए, उन्होंने करा के दी, तीन चार दिन रखी, बाकी फिर उन्होंने 3-4 दिन बाद रिटर्न कर दिया, तो अभी तक तो ये सही चल रही है, उन्होंने जब से ठीक करा के दिया है। और जो मैंने बताया जैसे कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने सर्विस सेंटर से ठीक कराई है, ठीक है, जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, इसका फैन चलना बंद हो गया था, ठीक है भाई, फैन में क्या इशू आ गया था भाई? फैन जैम हो गया था जो कि मैंने सर्विस सेंटर से ही ठीक कराया, और भूमि मोटर्स पर मुझे लगा नहीं कि वो ले जाना कोई मैटर, क्योंकि भाई देखो उस टाइम फैन चल रहा था, हाँ उस टाइम फैन चल रहा था, उस टाइम सब ओके था, लेकिन यार वो बंद हो गई, इलेक्ट्रिक चीज है, ठीक है, सर्विस सेंटर पे ही जाके ठीक कराया। जब सर्विस सेंटर लेके गए मैन फैन के लिए, और वहां पे जाने के बाद तो 100 इश्यूज वो लोग निकाल ही देते हैं भाई, ये चीज तो है भाई, वो क्योंकि चला के देखते हैं तो उनको जो बेकार लगता है वो कहते हैं भाई ये भी, तो फाइनली मेरा थोड़ा बहुत काफी खर्चा हो गया इसमें। तो भाई वो रेट अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले भाई सेकंड इशू बताओ भाई, सेकंड इशू क्या आया था भाई? सेकंड इशू इसका जो था वो इसके टायर बैलेंसिंग, ठीक है भाई, जब भी आप लो इसके टायर, देखो जब आप लेते हो ना, हाँ आप बाइक लेते हो तो एक्चुअली क्या है, ये देखो इधर आओ, ये वेट लगे हुए हैं, हाँ भाई ठीक है, इनसे बैलेंस होती है रिम, ठीक है भाई, ठीक है, ये आपके दोनों टायर बैलेंस होते हैं, बिकॉज ऑफ अगर वो बैलेंसिंग नहीं होगी ना तो ये टायर बहुत जल्दी घिसेंगे आपके, बिल्कुल, ठीक है, टायर घिसेंगे, बहुत सारी चीजों का इशू वजन लग जाता है, आपका टायर खा जाएगी बाइक बहुत जल्दी, कम राइड में ही बहुत ज्यादा आपके टायर खत्म हो जाएगा। फ्रंट टायर की बैलेंसिंग करी थी? नहीं, फ्रंट की भी की थी और सेकंड पीछे वाले की भी, दोनों भाई, देखो दोनों की क्या लगे, एक ही दोनों में एक्चुअली वहाँ पे मशीन से वेट करते हैं और वेट लगाते हैं इसमें, तो ये बैलेंस हो जाते हैं दोनों टायर। तो भाई आपकी देखो दो चीज तो अभी आ चुकी है, ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लो ये अपना गियर लेवर बाहर से लगा रखा था भाइयों ने, हमारे गियर लेवर देखो बाहर से लगा रखा था, गियर लेवर कंप्लीट लगा है, और ये वाला भी जो गियर का है चेंज किया है, पूरा चेंज कर रहा है, क्लच वाला भी चेंज किया है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उन्होंने छोटी छोटी करके चेंज किया भाई, ये ग्रिप वगैरह भी चेंज की है, ये भी टेढ़े थे इसके जो हैंडल होते हैं ये टेढ़े थे दोनों, ये चेंज हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें पता नहीं चलती फर्स्ट राइड पे, क्योंकि हमें सिर्फ बाइक चाहिए होती है भाई। देखो ये बात बिल्कुल सही है, देखो भाई मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप जब भी भाई अपनी बाइक लो ना भाई, तो सेकंड हैंड ले रहे हो बट भाई उसको नहीं समझ के लो भाई, आपके लिए भाई वो बाइक बहुत स्पेशल है, पहली बात। दूसरी बात भाई कुछ मत करो, अपनी बाइक ले जाओ सर्विस सेंटर, दिखाओ भाई सर्विस सेंटर आके दिखाओ, बात खत्म करो, बोल भाई मैं अपनी बाइक सर्विस सेंटर दिखाऊंगा, मैं बाइक लूंगा तभी, और या तो अपने कोई खास मैकेनिक को लेकर जाओ, लेकर आओ, ठीक है। तो भाई ये चीज़ थी कुछ ऐसी अपनी, बाकी भाई देखो जो भी, अब ये बताओ कि पैसों का इशू कितना आया था ये बताओ यार। पैसे अप्रोक्स मेरे 7-8 हज़ार रुपये इसमें लग ही गए हैं बाहर से भाई, देखो बाइक 7-8 हज़ार रुपये लग चुके हैं, बाकी आपके हम रेट बताएंगे कि कितने की ली थी हमने बाइक और कितने की पड़ी हमको उसके एक्स्ट्रा। ये अगर वो इंजन का काम नहीं करा के देते तो बहुत ज़्यादा बैठ जाता, बिल्कुल भाई देखो, ठीक है, वो कि आउट ऑफ बजट था मेरे, ठीक है, 7-8 हज़ार तो चलो समझ में आता है कि कर लेता है इंसान, ठीक है, मैनेज कर लेता, लेकिन इंजन का ठीक है, भूमि मोटर्स ने थोड़ा सा करके दिया, वो इज़ द बेटर ऑप्शन कि उन्होंने कर दिया। बाकी मेरे को बाहर से जो चीजें करानी पड़ी वो तो कहीं ना कहीं लगती हैं, वो तो आगे भी करानी पड़ जाती है। बट भाई देखो आप सेकंड हैंड ले रहे हो ना, या तो एक होता है कि बस सर्विस सेंटर जाके आ जाती है ना अपनी गाड़ी, तो एक तसल्ली से मिल जाती है कि हाँ यार चल सर्विस सेंटर जाके आ गए तो कुछ इशू नहीं होगा। जहां तक है उसके बाद अभी तक कोई इशू आया भी नहीं है, क्योंकि बाइक मैंने भी रनिंग करी है थोड़ी बहुत, चलाई मैंने भी भाई जी तेजी चला रहा है, सर्विस सेंटर से आई है ये लाइक अ न्यू बाइक, बिल्कुल भाई देखो अच्छी खासी चल रही है, नो वाइब्रेशन वगैरह सब ठीक है उन्होंने, बिकॉज उन्होंने जो चीजें चेंज करनी थी वो कर दी, ठीक है भाई। देखो भाई थोड़ा बहुत देखो जैसे कि ये अपना हल्का सा पेंट हट रखा है, हल्के बहुत स्क्रैचेस हैं, बट बाइक लिटरली न्यू कंडीशन की है, ऐसी बात नहीं है कि जो बाइक की कंडीशन है वो कहीं से बेकार लग रही हो, टायर वगैरह अपर वोलो के लग रखे हैं बाइक में, आफ्टर मार्केट लग रखे हैं, 21,000 बाइक की रनिंग हो रखी है, ठीक है, पहले आप ओवरऑल साइड से देख सकते हो काफ़ी अच्छी वो है, अल्फा अपोलो का अल्फा लग रखे हैं भाई। तो भाई देखो अपनी पब्लिक को ये बताना कि आपके लिए बेटर है सेकंड हैंड बाइक्स लेना, ये बताओ पहले तो आप। यार देखो अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो, बिल्कुल भाई, तो मेरे अकॉर्डिंग है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि उसके इंटरनल जो भी इश्यूज हैं वो आपको पता हो, उसको देख लो सही से, अगर अदरवाइज मत लो, आप न्यू पे चले जाओ ज्यादा बेटर है भाई। देखो 2-4 हज़ार रुपये देखो मायने रखते हैं भाई, 2-4 हज़ार लगने होते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं होती, जब आप KTM प्रेफर कर रहे हो। देखो मैं आपको जनरल बताता हूँ, बॉडी पे आ जाए कुछ आ जाए वो आप झेल सकते हो, लेकिन अगर इंजन मस्ट है
बाइक में इंजन ही है जो है, इंजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, उसको सही से चेक कराओ चल रहा है नहीं चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लाइक इसका आप मान लो फैन, अगर फैन चलना बंद हो गया तो बाइक आपकी सीज हो सकती है उसका इंजन। ठीक है भाई, मेरा ये बीच में सुभाष नगर से आते आते रास्ते में बंद हो गया था, मेरी बाइक बंद हो गई थी और उसकी वजह से मेरे को काफी प्रॉब्लम्स आई। तो ये चीजें आप देखो, जो इसमें मोटी मोटी चीजें होती हैं, आपका फैन हो गया उसकी वजह से इंजन हीट नहीं होता, तो वो मस्ट है। आपका इंजन आप देखो कि कैसे आप उसको देख सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो ये एक मेन चीज थी भाई, कि जैसा भाई ने बताया कि अपनी सबसे पहले मेन चीज है भाई, अपने इंटरनल भाई बॉडी के पार्ट्स चेक करवाओ, सर्विस सेंटर ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, वो मना नहीं करेंगे। जो भी भाई रेट वेट का था भाई, आपको अभी तक एवरेज कितने तक की दे रही है ये बता दो भाई अपनी पब्लिक को, सेकंड हैंड अच्छा नहीं है एवरेज? यार वही देखो, जो कंपनी क्लेम करती है तो बहुत ज्यादा करती है। ठीक है ठीक है, बाकी ये 20-22 पे ही खत्म कर देती है। मतलब भाई देखो अच्छी खासी भागती है बाइक है, ऐसे तो है नहीं कि भाई बाइक को धीरे चलती है, नहीं नहीं ये चलाने के लिए है ही नहीं, चलेगी नहीं, तो वो 20-22 की ही एवरेज सबकी देती है। ठीक है, और वही सेम है, एवरेज में इशू नहीं है, बाकी तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब लोगे तो झेलोगे भी, झेलोगे भी। बट भाई स्टिल देखो, इसमें एक चीज थी भाई, इसमें ABS नहीं मिलता आपको, फ्रंट और बैक में दोनों में आपको इसमें 2018 में भाई इसको ABS नहीं मिलता, देख सकते हो भाई पहले आप। बट ये भाई मुझे देखो कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी लगी कि ABS नहीं मिलता इसके अंदर, क्योंकि ये देखा भाई ABS एक बहुत मेन चीज़ होती है, जब बाहर टायर वगैरह अपने भाई पानी के अंदर जाते हैं ना तो भाई स्लिप होती है गाड़ी, तो भाई उसमें ABS ही वर्क करता है जो जहाँ तक हमारा करता है। बट भाई ब्रेकिंग में आपको अभी तक कोई इशू वगैरह? नहीं नहीं कोई इशू अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि हमने ऐसे ही। तो भाई देखो फाइनली अब सारी हमने आपको चीज़ बता दी है, A to Z, लाइट वगैरह मतलब सारी ओके है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंजन वगैरह जैसे भी जो भाई ने बताई सारी सही बातें बताई, जो भी भाई का अपना जेन्युइन रिव्यू था, जो भाई को लगा भाई ने अपनी वो बात शेयर करी है जो आपको भाई जो सुन सको। लोग नहीं करते हैं ये, बिल्कुल भाई यार कोई क्या सोचेगा कि हमारी बाइक ऐसी, यार नहीं ये एक्चुअली मैं भुगत चुका हूँ, कोई और ना भुगते, सिंपल इज दैट, के हम जो झेल रहे हो कोई और ना झेले भाई, क्योंकि भाई पैसे ही भाई बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। चीजें जो होती है ना आपकी मनपसंद चीज होती है, आप वो ले लेते हो, फिर उसमें दिक्कत आती है तो आपको लगता है यार ली भी और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता है कि यार नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत सारे ऑप्शंस माइंड में आने लगते हैं, न्यू ले लेते हैं, फ्रेंड्स जोन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है भाई, वो चीज हम छोड़ते हैं, बाकी अब आते हैं इसकी रेट के ऊपर भाई, कि आपको क्या रेट पड़ा था, अपने बाइक कैसे ली, मतलब कहाँ से देख के सेकंड हैंड का मन में आ गया था आपके के लिए, जो भी है भाई अपना शेयर कर दो भाई पब्लिक से अपनी। यार देखो जैसे कि पता ही है कि मैं सचिन भाई का सब्सक्राइबर हूँ, तो इनकी वीडियोस भी काफ़ी देखी है मैंने। ठीक है भाई, तो सचिन भाई की वीडियोस ही सडनली मैंने बूम मोटर्स की देखी थी, वहीं पे बाइक मेरे को पसंद भी आई वीडियो में, एंड मैंने कांटेक्ट भी किया बूम मोटर से, तो उन्होंने रेट वगैरह भी मुझे व्हाट्सअप किए, मैंने विजिट की, विजिट करने पे फिर मैंने ये फाइनल भी किया, इसकी टोकन मनी भी मैं दिया आया था उनको, ठीक है, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके। उसके बाद मैंने सचिन भाई को बताया, थोड़ी गलती यहाँ भी कर दी मैंने, थोड़ा लेट बताया, पहले बताता तो और अच्छा डिस्काउंट मिल जाता मुझे, लेकिन मैंने बाद में बताया फाइनल करने के बाद। बाकी मैंने इनका नाम लिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ वीडियो में भाई हमेशा कहते हैं मेरा नाम लो डिस्काउंट मिलेगा ये मिलेगा, तो अच्छी चीज़ें हैं वो, फैक्ट है, ठीक है। ये एप्रोक्स मुझे 155 उन्होंने मुझे ऑफर किया था, मैंने भाई का नाम वगैरह लिया और थोड़ा नेगोशिएट किया, बार्गेनिंग करी, तो मेरे को मिल गया अप्रोक्स 10,000 उन्होंने लिटरली डाउन कर दिया, और 146 अप्रोक्स में मेरे को ये फाइनल कर दिया उन्होंने, 146 में भाई फाइनल कर दिया, प्लस एक हेलमेट दिया था, वो तो काम चला होता भाई, देखो काम चला होता, मतलब इतना फॉर्मेलिटी थी, देखो भाई सेफ्टी के लिए दिया था उन्होंने, ये अच्छी चीज है बूमी मोटर की, भाई सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, देखो ये काफी अच्छी चीज थी, सेफ्टी के लिए उन्होंने मुझे हेलमेट भी दिया था, बिल्कुल भाई वो चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, देना चाहिए। ठीक है भाई, तो मतलब मान सकते हो कि भाई देखो नाम था 10,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला, बट भाई ने देखो जैसा खुद ही बोला कि अगर थोड़ा पहले बताया होता तो थोड़ा बहुत भाई मैं और करा देता, इतना था कि और करा देता, बाकी भाई की एक अच्छी चीज़ है, खराब हुई तब भी गल गए, लेके आए तब भी गल गए, और इब भी गल है। ठीक है भाई, तो ऐसी कोई बात नहीं, देखो भाई आप भी बाइक लेते हो भाई, मैं आपके लिए भी आऊँगा पक्का, कोई दिक्कत नहीं, आप जब बुलाओगे आप बाइक लेने जाओ, मैं आपकी बाइक के लिए आऊँगा, जब भी आपकी बाइक चेक करनी हो तब भी आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई देखो एक क्वेश्चन था, एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई जैसे हम लोग होते हैं वो कमीशन पे फिक्स होते हैं, कि हम बाइक बिकवा रहे कमीशन पे होता है, भाई देखो मेरा ऐसा उन्होंने कुछ बोला कमीशन नहीं, कुछ नहीं, फिक्स नहीं, था। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो सचिन को वैसे पीछे से भी काफी टाइम से जानता हूं, बिल्कुल इसकी वीडियोस वगैरह भी देखने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग फिक्स होते हैं, बस इनका एक मोटिव होता है कि अच्छी से अच्छी चीज हमें प्रोवाइड कर सके, अच्छी वीडियोस दे सके, बाकी और कमीशन तो यार क्या कमीशन लेंगे यार भाई, हम पब्लिक क्या बोलती है, हम मानते हैं हम गए बिल्कुल भाई, या किसी भी उस पे गए ब्लॉगर्स का, मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ भाई, सचिन भाई का बताता हूँ, इफ मैं इनका नाम नहीं भी लेता तो इन्हें क्या पता चलता मैं बाइक लाऊंगा, और क्यों देगा भूमि मोटर्स इन्हें कमीशन, बिल्कुल भाई उनका पैसा है यार, इनकी वीडियोस बन रही है, उनका इनको कंटेंट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई,
कोई कमीशन पे नहीं है, सब भाई बंदी में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज सचिन भी बहुत बड़ा फैन है केटीएम का। हां बिल्कुल भाई, 390 भाई ले रखे इसलिए भाई। तो सेम एज इट इज वो भी फीलिंग समझता है यार, सामने वाले को उसके ड्रीम बाइक मिल जाए वो मैटर करता है बस। तो भाई देखो, भाई का जो भाई ने कमेंट करा था ना कि भाई आप लोग तो कमीशन पे फिक्स होते हो, भाई आप लोगों को आंसर मिल चुका है जो कि हमारे सब्सक्राइबर प्लस दोस्त ने दे चुके हैं। चाहे तो भाई आप किसी से ही पूछ सकते हो, भाई भूमि मोटर पे कांटेक्ट कर लेना कि अगर मैं कमीशन पे फिक्स हूँ तो भाई आप मेरी बाइक लेके जा सकते हो, मैं अपनी बाइक रेडी हूँ देने के लिए। ठीक है भाई, तो आज का था ये जनरल रिव्यू, जो भाई ने सेकेंड हैंड बाइक ली भूमि मोटर से, भाई को क्या क्या डिटेल अच्छी लगी, इसके अंदर थोड़ा बहुत खर्चा आया, थोड़ा बहुत खर्चा देखो होता ही है। मैंने भी बाइक ली थी भाई, मैंने भी देखो नॉर्मल झूठ नहीं बोलूंगा 4-5 हज़ार रुपये भाई मैंने भी लगाए थे, बट भाई उसके बाद तसल्ली मिल गई भाई। हाँ अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अपनी बाइक रनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई की बाइक तो 19,000 चली हुई है भाई, मेरी बाइक 9,000 चली हुई है, तो देख सकते हो जो भाई की रनिंग मेरी रनिंग में बहुत फ़र्क है। मैं अपनी बाइक हफ्ते में मुश्किल से 1-2 बार निकालता हूँ, कहीं जाना होता है तो भाई की जैसे ऑफिस की डेली रनिंग है। तो ठीक है भाई, ये था जेन्युइन रिव्यू आज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड को जिनको भी बाइक लेनी है, जो लेने की सोच रहे हैं, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय।